हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। बात करेंगे कि हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कितने प्रकार के हमारे पॉपुलर जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इनपुट डिवाइस से क्या आपको समझ में आता होगा, जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी कमांड या कोई भी इनपुट दे सके, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में थोड़ी सी इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आप अगर एक सीपीयू हमारा मिलके, अगर आप हमारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू हो गया आपका, फिर इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, फिर आपका माउस आ गया, ठीक है, माउस आ गया और मॉनिटर आ गया, तो ये मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग क्या है इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे बेसिकली इनपुट डिवाइस से हमको क्या पता चल रहा है, इनपुट डिवाइस एनेबल्स द यूजर्स टू सेंड डेटा इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। हमने क्या बताया कि हम कंप्यूटर अपने इनपुट डिवाइस के थ्रू किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो आप बोलिएगा सीधा सीधा सिंपल सिंपल कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, हम किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। कौन? हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारे क्या आ जाते हैं, हमारा कीबोर्ड आ गया, ठीक है, हमारा कीबोर्ड आ गया, फिर आता है हमारा माउस आ गया, हमारा माउस आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्या है डिवाइसेस हैं जो कि हमको क्या हेल्प करती हैं, इनपुट डिवाइस में हेल्प, इनपुट देने में हमारी मदद करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्लास 9 से लेके BSc तक के सभी कंप्यूटर से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑफ ए कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी कि बेसिकली हमारा जो काम क्या है, जब हम किसको इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हम किसको देते हैं, इनपुट हम लोग अपने CPU को देते हैं। इनपुट CPU को देंगे, CPU क्या है, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सारे डेटा क्या है, प्रोसेस होंगे। ठीक है, CPU हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चाहे भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सारी चीज़ें, स्टोरेज यूनिट, हमारा डेटा सारा स्टोर यहीं पे होता है। स्टोर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट बोलते हैं। और वो किसके थ्रू हमको आउटपुट मिलता है, एज अ आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको क्या मिलता है, हमारा आउटपुट मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इनपुट क्या होते हैं, हमको पता चल गया ना कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सेंड, इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, या तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं थोड़े से हमारे सम पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटलाइजर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। फिर माइक्रोफोन का अगर एग्जांपल दें, जैसे ये मैंने माइक जो लगाई हुई है, माइक के थ्रू ही तो आप हम इनपुट दे रहे हैं अपने वॉइस को, तभी जाके आउटपुट में आपको सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, फिर आता है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, कैमरा, फिर आ गया आपका पैडल हो गया, स्ट्रीट व्हील हो गया, ठीक है, लाइट गन हो गया, टच पैड हो गया, रिमोट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, VR हो गया, फिर वेबकैम हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया। ये सारे क्या है, हमारे कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिसको थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ क्या है, इनपुट देते हैं। ठीक है, तो फिर आता है हमारा कीबोर्ड, इस तरीके से दिखता है हमारा माउस, इस तरीके से कुछ दिखता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ये हमारा QR स्कैनर है। ठीक है, ये हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इनपुट आउटपुट को पा सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, सॉरी, हाँ, ये हमारा फैक्स मशीन है। ठीक है, फैक्स मशीन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट को जब देते हैं, इनपुट जब वो आपका अगर पेज आपने लगाया कि कहीं पे फैक्स करना है, तो इनपुट देते ही वो फैक्स मशीन से ऐसे गुजरेगा, गुजरते ही क्या क्या होता है, वो डेटा आपके स्क्रीन पे शो होने लगता है। आप उसको इजीली किसी के पास क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको हम को लोग सिंपली क्या है, स्कैनर भी बोल सकते हैं।
ठीक है, स्कैनर हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, जो गेम खेलते हैं आप इनपुट देते हैं तभी ना आपका आउटपुट निकलता है, फिर आपका लाइट पिन हो गया, सॉरी पिन टैब हो गया, पिन टैब में कैसे जिस पे हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ आउटपुट दे रहे हैं तभी ना वहाँ जाके आपका हमको शो कर रहा है, तो ये आपका पेन टैबलेट हो गया, माइक हो गया, ठीक है, माइक हो गया, ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेज ही हैं। फिर आपका कैमरा हो गया, आपका रिमोट हो गया, कैमरा हो गया, वेब कैम हो गया, ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेज ही हैं, ठीक है। फिर आता है आपका थंब रीड, आपका सॉरी ये हैंड रीडर आ गया, ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेज ही होते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप तीन क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट में दे दीजिएगा, नहीं तो आप अपने एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आप इसको तैयार कर लीजिएगा क्लास 9th वाले। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस हो गया, व्हाट आर द सम टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज, हाउ डज कीबोर्ड वर्क एज अ इनपुट टूल, ये सारी क्या है तीनों को आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ आपको डाउट रह जाए तो प्लीज़ एक बार हमसे आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को और इसी तरीके से हम नए नए वीडियो आते रहेंगे, और हमने इसके पहले कंप्यूटर के बारे में कवर कर लिया है, कंप्यूटर के कंपोनेंट।